तो कैसे हैं सिक्सर के चाहने वाले, विकेट के मतवाले, क्रिकेट के दीवाने? उम्मीद है कि ना आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो हम बात करने वाले पीएसएल 2023 फाइनल मैच। आप सबको पता है जो फाइनल मैच है मुल्तान सुल्तानपुर से लाहौर कलंदर्स के बीच में खेला जाएगा। दोस्तों अगर हम एक साल पीछे जाएं पीएसएल 2022 की बात करें तो भी ये दोनों टीमें मुल्तान सुल्तान वर्सेज लाहौर कलंदर्स के बीच में फाइनल मैच खेला गया था और लाहौर कलंदर ने मुल्तान सुल्तान को फाइनल मैच में एक तरफा पीटा था और बन गया था चैंपियन। बोला आई एम चैंपियन, तो मुल्तान सुल्तान बोलेगा यार पिछली बार इन्होंने हमें चैंपियन ना बनने दिया था, इस बारी अपनी बारी है पलटवार करने के लिए, उस फाइनल का बदला इस फाइनल में लेने के लिए इनको हराएंगे और बन जाएंगे चैंपियन। वहीं लाहौर कलंदर्स बोलेगा भाई साहब जब पिछले बार आपको हरा के चैंपियन बन सकते हैं तो इस बार हरा के चैंपियन नहीं बन सकते क्या? इस बार भी हराएंगे और चैंपियन बनेंगे। वैसे अगर हम बात करें इन दोनों टीमों के बीच में जो पीएसएल 2023 के तीन मैच खेले गए ना, तीन मैच खेले गए जिसमें से दो मैच जीता लाहौर कलंदर, एक मैच जीता मुल्तान सुल्तान। तो लाहौर कह रहा है कि भैया इस सीजन भी जो तीन मैच खेले गए ज्यादा मैच तो लाहौर ही जीता, वो तो बस क्वालिफायर मैच पता नहीं कैसे आप गलती से जीत गए, हो जाता है एक आता है मैच में अगर जीत मिल गई तो ज्यादा खुश मत हो। तो इस बार लाहौर कलंदर फिर से परफॉर्मेंस जबरदस्त करेगा और चैंपियन बनेगा, आपको फिर से मात देगा मैदान फतेह करके। लेकिन मुल्तान सुल्तान तो सोच रहा होगा ना कि सुल्तान बनना है, तब तक सुल्तान ना बनेंगे सुल्तान नाम रखने का कोई फायदा नहीं है। तो मुल्तान सुल्तान भी पूरी तैयारी करके आएगा पिछले फाइनल का बदला इस फाइनल में लेने के लिए और चैंपियन बनने की कोशिश करने के लिए। कोशिश क्या करनी है, चैंपियन बनना ही चाहेगा तो भाई लोग, लेकिन आपको पता है चैंपियन कोई एक बनेगा, एक कोई टीम हार जाएगी तो कौन सी टीम बनेगी चैंपियन, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, बस पूरी वीडियो बिना स्किप करे हुए आपको देखनी है। सबसे पहले हम जानते हैं हेड टू हेड जब ये दोनों टीमें इससे पहले आमने सामने आई हैं तब कौन सी टीम किस पे पड़ी है भारी। तो अभी तक इनके बीच में 16 मैच खेले गए, दोनों टीमों ने 8-8 मैच अपने नाम पे किया, यानी यहां पे जो मामला है भाई साहब वो बिल्कुल बराबरी पे नजर आ रहा है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में इससे पहले इनके बीच में 7 मैच खेला गया जिसमें से 3 मैच मुल्तान ने जीता, 4 मैच जीता लाहौर ने, यानी गद्दाफी के मैदान पे भी अगर हम देखें तो जो मामला है ना वो तो बराबरी का नजर आ रहा। मार्च के महीने में इनके बीच में 4 मैच खेले गए और दोनों ही टीमों ने 2-2 मैच अपने नाम पे किया, तो भाई साहब यहां पे भी जो मामला वो तो बराबरी का। सैटरडे के दिन इनके बीच में 2 मैच खेला गया और दोनों ही टीमों ने 1-1 मैच अपने नाम पे किया, यहां पे भी जो मामला बिल्कुल बराबरी का है। लेकिन लास्ट 5 मुकाबले की बात करें तो मुल्तान सुल्तान ने 1 मैच जीता और लाहौर कलंदर्स ने जीते 4 मैच। ओह तेरी, यानी जो लाहौर कलंदर्स की टीम है ना लास्ट के 5 मुकाबलों में वक्त बदल डाले, जज्बात बदल डाले किसके, मुल्तान सुल्तान के। बोला बड़ा आया सुल्तान बने, हमें हरा के दिखा यार, 5 में से 4 लाहौर कलंदर्स जीता, यानी जो लाहौर कलंदर्स की टीम है ना लास्ट के 5 मुकाबलों में मुल्तान सुल्तान के सामने दमादम मस्त कलंदर करके आता है, मैदान फतेह करके चला जाता है, इनको जीतने नहीं देता। बस पिछला मैच जो था वो जीत गया ये मुल्तान सुल्तान, तो इससे थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, चलो 4 हार के बाद आखिर एक जीत तो मिली किससे, लाहौर कलंदर से, नहीं तो ये तो हमें पीटे जा रहे हैं। तो सुल्तान बनने का एक मौका मिला, कोई बात नहीं, जैसे पिछला मैच हराए वैसे इस मैच को हराते बन जाते हैं चैंपियन। तो भाई लोग आज के मैच में क्या होगा, चलो एनालिसिस करने के बाद ना यही जानते हैं कौन सी टीम बनेगी चैंपियन, मुल्तान सुल्तान या फिर लाहौर कलंदर्स। लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करना बनता है ना, क्यों बनता है, क्योंकि आपको पता है मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूं, मैं तो आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं। सोचो अपने भाई का सपोर्ट अगर आप ही ना करेंगे तो कोई बाहर से आएगा भाई का सपोर्ट करने के लिए? ना जी ना, कोई भी ना आएगा। और करना क्या भाई, सब कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हैं ना। और अगर आपको सभी मैचों में फ़ायदे में रहना है फ़ायदे में, तो मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने पहले से ज्वाइन किया वो तो काफ़ी फ़ायदे में, काफ़ी मज़े में है। अगर आपको भी सभी मैचों में रहना है फ़ायदे में तो टेलीग्राम ज्वाइन कर डालें। बस एक चीज़ का ध्यान दें, फेक से बचें, क्योंकि मेरे नाम पर बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और कहीं से ज्वाइन नहीं करना, जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग आप सबको पता है जो मैच है ना गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। अभी पीएसएल 2023 की बात करें तो जितने यहाँ पे मैच खेले गए लगभग सभी मैचों में क्या हुआ है, टारगेट डिफेंड हुए, एवरेज स्कोर की बात करते 170 से 180 के बीच में यहाँ पे एवरेज स्कोर बनता और टारगेट डिफेंड हो जाते हैं। वैसे अगर हम यहाँ पे प्रॉपर पिच रिपोर्ट की बात करें तो आप सबको पता है जो क्वालिफायर एलिमिनेटर मैच खेले गए वो भी इसी मैदान पर खेले गए, तो मैंने उन दोनों मैचों में ना जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की पिच है उसके बारे में A to Z सारी डिटेल बता रखी है। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उनको सब कुछ पता है, अगर आपने नहीं देखिए, अगर आप गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। क्या है ना कि वही चीज बार बार बताना वीडियो लंबी हो जाएगी तो और बार बार सुनने में अच्छा भी नहीं लगता और मुझे भी बताने में अच्छा नहीं लगता। बस इतना जान लो यहां के पिच पे रन बनते हैं ज्यादातर मैचों में, टारगेट डिफेंड होते हैं, जो बाउंड्री लेंथ है वो 65 मीटर से 80 मीटर की ठीक ठाक है और जो मैच होते हैं ज्यादातर हाई स्कोरिंग मैच होते हैं। तो जो फाइनल मैच है ना इस चक्कर में आपको कड़ाकेदार टक्करदार हाई स्कोरिंग देखने को मिल सकता है। जो आज का मैच है इसमें भी अगर हम पावर प्ले स्कोर की बात करें तो वही आपको 50
के आसपास को देखने को मिलेगा। 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 175 से 190 के बीच में देखने को मिल सकता है आज के इस फाइनल मैच में गद्दाफी स्टेडियम जो लाहौर का मैदान है यहाँ पर, मतलब मैच हाई स्कोरिंग होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मुल्तान सुल्तान की। अगर हम इनके खेमे में चेंजेस की बात करें तो मोहम्मद रिजवान बोलेंगे पागल है भाई साहब, क्वालीफायर में इसी टीम ने लाहौर कलंदर को हराया और सीधा फाइनल में पहुंचा दिया। जब ये टीम सीधा फाइनल में पहुंचा सकती तो चैंपियन भी तो यही टीम बना सकती, तो चेंज क्यों करना, क्योंकि जो मुल्तान सुल्तान की बल्लेबाजी है ना, मोहम्मद रिजवान तो जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। उस्मान खान की बात करें, एक मैच में 70 का आया, दूसरे मैच में भी ठीक ठाक शुरुआत करी थी लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कर सकते। लेकिन रेलू रसो की बात करें, करेन पोलार्ड की बात कर लें, टीम डेविड की बात कर लें, तीनों मिडिल ऑर्डर में ना जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर खुशदिल शाह भी अपने हाथ बटा देते हैं। तो यहाँ पर जो बल्लेबाजी है मुल्तान सुल्तान की वो सुल्तानों जैसे चल रही है, जबरदस्त खेल रहे हैं, सामने वाली टीम की ना धज्जियां उड़ा दे रहे हैं गेंदबाजों की। वहीं अगर हम इनकी गेंदबाजी की बात करें, जो इनके गेंदबाज है ना वो विकेट तो निकाल लें, विकेट निकालने के साथ साथ ना थोड़ा सा महंगे भी साबित होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एहसानुल्लाह की बात कर लें, अब्बास अफरीदी की बात कर लें, उसामा मीर की बात कर लें, या फिर हम यहाँ पे सेल्डन कॉटरेल की बात कर लें, ये सारे जो गेंदबाज है ना ये गेंदबाजी बहुत सटीक करते हैं, मतलब बीच बीच में विकेट निकालते रहते हैं लेकिन बीच बीच में ना ये रन भी खाते रहते हैं तो चल जाता है। मतलब रन तो दे रहे हैं लेकिन साथ में विकेट भी निकाल रहे हैं, तो सामने वाली टीम रन तो बना देती है लेकिन विकेट भी अपने खोते रहती है, तो जिस तरह से फिनिश करना होता है उस तरह से फिनिश करने ना देते हैं मुल्तान सुल्तान के गेंदबाज। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी मुल्तान सुल्तान की बहुत ज्यादा सॉलिड है। गेंदबाजी की बात करें तो विकेट टेकर गेंदबाज है, सभी गेंदबाज आते हैं विकेट चटकाते हैं, हाँ थोड़ा बहुत रन खा जाते हैं लेकिन कोई बात नहीं, अगर विकेट चटका रहे हैं थोड़ा सा रन खा जाएंगे तो चलेगा। जो मुल्तान सुल्तान की टीम है वो बढ़िया है, बढ़िया परफॉर्मेंस कर भी रही है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे लाहौर कलंदर्स की बात करें तो लाहौर कलंदर्स भी अपने खेमे में कोई भी चेंज ना करेगा, बोलेगा भाई साहब इसी टीम ने पेशावर जालमी को एलिमिनेटर 2 में हरा कर आई है, तो साहिन आफरीदी चेंज क्यों करेगा, कोई भी चेंज ना करेगा। क्योंकि जो इनकी बल्लेबाजी है ना, फखर जमान तो कमाल के बल्लेबाज है ही, बाकी के जो बल्लेबाज है अगर हम उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो मिली जुली परफॉर्मेंस है, किसी मैच में बढ़िया कर पाए किसी मैच में ना कर पाए। चाहे हम यहाँ पे मिर्जा ताहिर बेग की बात करें, अब्दुल्ला शफीक की बात करें, तो शुरुआत जब करी थी 2-3 मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी। सैम बिलिंग्स की बात करें, ये लगभग सभी मैचों में लड़ाई करते हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, जरूरत पड़ने पे सिकंदर रजा, डेविड विजय और राशिद खान फिनिश भी अच्छा करते हैं, जिसमें सिकंदर रजा तो टॉप पे रख लो, ये बहुत अच्छे से फिनिश कर रहे हैं। और गेंदबाजी की बात करें, जो लाहौर कलंदर्स की गेंदबाजी है ना, ये आग है, गेंदबाजी नहीं आग है। कैसे है, क्योंकि साहिन शाह, अफरीदी, हारिस रऊफ, अब जमान खान जिनके पास हो भाई साहब, उनके सामने कौन टिक सकता है, कोई भी नहीं टिक सकता, और ये किसी को टिकने उकने भी ना देते, क्योंकि ये विकेट टेकर गेंदबाज है, ये सिर्फ रन नहीं बचाते ये विकेट भी निकालते रहते हैं। जब स्पिन की बारी आती तो राशिद खान आता है, और आपको पता किंग तो किंग होता है, किंग के सामने रन बचाना छोड़िए भाई साहब, विकेट बचाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जरूरत पड़ने पे सिकंदर रजा, डेविड विजय आते हैं और विकेट निकाल के चले जाते हैं। मतलब जो लाहौर कलंदर के पास 6 गेंदबाजी के ऑप्शन है ना, सारे के सारे रन बचाने वाले नहीं, विकेट टेकर ऑप्शन है, वो सारे विकेट निकालते भी रहते हैं। तो यहां पे लाहौर कलंदर की गेंदबाजी है ना वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। लेकिन मुल्तान की बात करें तो उनकी बल्लेबाजी काफी ज्यादा बेहतर है। तो अगर हम यहां पे देखें तो बल्लेबाजी वर्सेस गेंदबाजी भी कह सकते हैं, क्योंकि मुल्तान की बल्लेबाजी सॉलिड और लाहौर की जो गेंदबाजी है वो सॉलिड, तो बल्लेबाजी वर्सेस गेंदबाजी होने वाला है फाइनल मैच। वहीं अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के बिहाफ पे कंपैरिजन करें तो मुल्तान सुल्तान ने अपने लास्ट के 6 मैच पे 3 मैच जीता, 3 मैच हारे, शुरू के 3 मैच हारे थे, उसके बाद बैक टू बैक 3 मैच जीत के यहां पर पहुंचे हैं। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 194 रनों का, जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त होता है, खतरनाक कह सकते हैं। हम गेंदबाजी एवरेज की बात करें 9.10 जो गेंदबाजी एवरेज होता है ये थोड़ा सा महंगा होता है, मतलब इनके गेंदबाजों की पिटाई होती रहती है जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन साथ के साथ ये विकेट भी निकालते रहते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे लाहौर कलंदर्स की बात करते, इन्होंने भी अपने लास्ट के 6 मैच में 3 मैच जीता, 3 मैच हारा। अगर हम इनकी बात करें तो ये 1 मैच जीत रहे हैं, 1 मैच हार रहे हैं। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 175, 175 रनों का, जो कि ठीक ठाक कह सकते हैं लेकिन जबरदस्त या खतरनाक नहीं कह सकते। लेकिन गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो 7.95 जो गेंदबाजी एवरेज होता है ना भाई लोग, ये जबरदस्त नहीं होता, ये खतरनाक होता है। यहाँ की सपाट पिच पे इतना बढ़िया गेंदबाजी एवरेज। तो अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपैरिजन करें, जो मुल्तान सुल्तान की टीम है ना वो बल्लेबाजी में बेहतर नजर आ रही है लाहौर कलंदर से, लेकिन लाहौर कलंदर की बात करें तो ये गेंदबाजी में बेहतर नजर आ रही है किससे, मुल्तान सुल्तान से। बाकी रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में दोनों टीमों का जो मामला है ना वो बिल्कुल बराबरी का नजर आ रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पे चेज और डिफेंड की बात करें तो दोनों टीमें ना एक दूसरे के सामने चेज और डिफेंड करने में भी बिल्कुल बराबरी पे हैं। मतलब चाहे मुल्तान की बात करो, लाहौर की बात करो, एक मैच में चेज कर पाते, एक मैच में ना कर पाते, सेम डिफेंड की भी वही कहानी है। मुल्तान या लाहौर की एक मैच में डिफेंड कर लेते, एक मैच में नहीं कर पाते, तो यहाँ पे भी जो मामला है ना वो बिल्कुल बराबरी
धोनी का है, इसलिए एक एक मैच के बारे में ना जानेंगे। तो भाई लोग जो फाइनल मैच है हमने तो इसकी सारी एनालिसिस कर डाली, आपको लगभग सारी चीज़ें पता भी चल गई, लेकिन कौन सी टीम जीतेगी आज का मैच चलो अपना वो जानते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ भाई का चैनल सब्सक्राइब कर डालो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। और आपको ये भी पता मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूँ, मैं तो आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूँ। सोचो अपने भाई का सपोर्ट अगर आप ना करेंगे, कोई बाहर से आएगा भाई का सपोर्ट करने के लिए, ना जी ना, कोई भी ना आएगा। और करना क्या भाई साहब, कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हैं ना। तो सारी एनालिसिस करने के बाद क्रिकेट के नियमानुसार अगर हम इस मैच की बात करें, जो मैच है ना वो 50-50 मुल्तान सुल्तान एंड 50 लाहौर कलंदर। लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे लगता है ये जो मैच है ना मुल्तान सुल्तान अपने नाम पे कर सकता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, क्या बोलूंगा, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए क्यों ज्वाइन करना, क्योंकि इस मैच की जो फाइनल प्रेडिक्शन होगी ना वो आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी। वैसे भी जिन लोगों ने पहले से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके रखा है वो तो काफ़ी फायदे में, काफ़ी ज़्यादा मजे में, तो भाई लोग आप पीछे क्यों, अगर आपको भी सभी मैचों में फायदे में रहना है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालें। बस एक चीज़ का ध्यान देना है, फेक से बचना, क्योंकि मेरे नाम पर बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और किसी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना, जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।